सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सर्वसाहूनं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्व धर्मानां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वहे अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब वैनिज पदेरा अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सब अर्थ के प्रकाशी मंगल के उपकारी हैं तिनको स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को नमाए ए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम्हें ही से काज सब आज भय कर जोड़े बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है हो मेरी ऐसी दशा तुम्हें धारी है। आचार्य कल्प की उपाधि से विभूषित पंडित श्री टोडामल जी उनके द्वारा रचित यह मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ जो मोक्षमार्ग का प्रकाशन करने में समर्थ है ऐसे उस ग्रंथ जो नौ अधिकारों में निबद्ध है उसके पहले अधिकार में पंच परमिष्टि के स्वरूप पे हमारी चर्चा चल रही है जिसमें हम अरिहंत और सिद्धों का स्वरूप देख चुके हैं और आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप देख रहे हैं कि आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप कैसा है जिसके अंदर हमारी चर्चा चल रही थी कि 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं 22 परिसरों को सहन करते हैं 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। 12 तपों के नाम याद करके लायो कौन कौन से होते हैं विभिषय्यासन काय के लिए सो अंतरंग तप ध्यान इसी ये इसका ऑर्डर ये ऑर्डर क्यों है इसका किसी को पता है ये क्रम क्यों है जो तप कहते किसको हैं तत्वा सूत्र में आता है इच्छा निरोधा तप कि इच्छा के निरोध को तप कहते हैं इच्छा के निरोध को तप कहना नास्ति से बनता है कि इच्छा का निरोध करना वो तप है और अस्ति से कथन करें तो निज में रहना निज में ही लीनता उसका नाम तप है वो है अस्ति से कथन और नास्ति से कथन होता है कि इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। अब यही ऑर्डर क्यों रखा है यदि हम इस ऑर्डर को देखेंगे तो इच्छा का निरोध बढ़ता हुआ है इस ऑर्डर में जितना इच्छा का निरोध अनशन में है उससे ज़्यादा अवमोदर्य में है जितना अवमोदर्य में है उससे ज़्यादा वृत्ति परिसंख्यान में है जितना वृत्ति परिसंख्यान में है उससे ज़्यादा रस परित्याग में है जितना रस परित्याग में है किसका वृत्ति परिसंख्यान वृत्ति परिसंख्यान का मतलब रहता है कि मुनिराज जो अटपटी प्रतिज्ञा लेके निकलते हैं आर के लिए वो प्रतिज्ञा लेना वो आता है वृत्ति परिसंख्यान में। रस परित्याग में तो रस का त्याग है एक रस का दो रस का जितने रस का त्याग किया विभुति सय्यासन और फिर उसके बाद काय क्लेश विभुति सय्यासन पता है
हाँ जो सेन है उनका एक आसन से सोना वो भी सही आसन में आता है। काय क्लेश का मीनिंग है कि जब तप में लीन है, निज में लीन है, उस समय काय की कोई चिंता नहीं होना, काय के प्रति कोई राग नहीं होना, उसका नाम काय क्लेश है। और उसके बाद प्रायश्चित है, प्रायश्चित के बाद विनय, विनय के बाद भैयावृत्ति। भैयावृत्ति क्या होती है? सेवा करना भैयावृत्ति है। मुनिराजों की सेवा करना भैयावृत्ति है कि नहीं है? तो क्या है भैयावृत्ति? हम लोग क्या मानते हैं कि किसी की मुनिराजों की सेवा करना, या कोई श्रावक है जो मरणासन अवस्था में है तो उसकी सेवा करना, उसका नाम भैयावृत्ति है ना? यदि इसी का नाम भैयावृत्ति हो, सेवा करने का नाम, तो किसी श्रावक ने मुनिराज की सेवा की तो तब किसको हुआ भैयावृत्ति? तब श्रावक को, क्योंकि सेवा करना भैयावृत्ति है, और तब तो मुनिराज को होता है ना? तो वास्तव में भैयावृत्ति का अर्थ है कि सेवा पर को निश्चित चितना होने देना, या सेवा पर के हित के लिए सेवा करना, वो है भैयावृत्ति। सेवा पर के हित मतलब स्वय का भी हित और पर का भी हित, कि कोई श्रावक है जो मरणासन अवस्था में है, या मुनिराज हैं जो मरणासन अवस्था में हैं, तो उस समय वो निश्चित चितना हो, उनको निज में लगाना। अब निज में वो जैसे लगें वैसे लगाना, भाई पैर दबा के लगें, यदि उनको पीड़ा हो रही हो तो फिर उनकी सेवा करें जिससे कि वो उनका ध्यान निज में लगे, निश्चित ना हो, फिर जो भी क्रिया होगी वो फिर उसमें भैयावृत्ति में आएगी। लेकिन उस क्रिया को भैयावृत्ति मान लें तो देखो, एक तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि खाली सेवा करना भैयावृत्ति नहीं है, और दूसरा सेवा करना मतलब पैर दबाना, मालिश करना, जो भी है वो सब क्या है? बाहर की क्रिया है। और ये तप कौन सा है? अंतरंग तप है। तो बहिरंग तप तो है नहीं, ये बहिरंग तप होता तो मान भी लेते हम ऐसा हो सकता है, लेकिन अंतरंग तप है तो इसका मतलब खाली सेवा करना उसका नाम भैयावृत्ति नहीं है। सेवा पर के हित के अर्थ जो निश्चित ना होने देना उसका नाम भैयावृत्ति है। और भैयावृत्ति के बाद कौन सा है? ध्यान, स्वाध्याय। स्वाध्याय के बाद विषयक, और विषयक के बाद ध्यान। तो स्वाध्याय कौन से स्थान पे है? ध्यान से बस जस्ट नीचे है ना। तो स्वाध्याय भी परम तप का है, आता ना स्वाध्याय परम तप, कि स्वाध्याय को परम तप का है। और हम लोगों ने क्या कर लिया स्वाध्याय को, कि मंदिर जी जाना है, 10 मिनट जिनवाणी को खोल के बैठना है और पढ़ना है, इसका नाम स्वाध्याय है। कि वास्तव में स्वाध्याय का अर्थ होता है उसका, देखो एक तो स्वाध्याय का कहें कि स्वय प्रत अध्याय, स्वय का अध्ययन, कि निज आत्मा का अध्ययन करना, उसका नाम स्वाध्याय। और दूसरा संधि विच्छेद करें यदि, तो स्वय प्लस अधि प्लस ए, तो स्वय का मतलब होता है निज को, अधि मतलब ज्ञान, और ए मतलब प्राप्त होना, कि निज का ज्ञान जिसके माध्यम से प्राप्त होता है उसको कहते हैं स्वाध्याय। खाली पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय के 5 अंग हैं, पता है कौन से हैं? कौन से हैं? वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमनाएँ और धर्मोपदेश है ना। कि उसमें क्या करना, वाचने में क्या है, केवल पढ़ना नहीं, वाचने में हमने क्या, हम क्या मानते हैं कि केवल जिनवाणी को वाचना, उसका नाम वाचना स्वाध्याय है, क्योंकि स्वाध्याय का अंग है। वाचने में पढ़ना भी, उसको समझना भी, दोनों वाचना में। देखो जो इसका भी जो ऑर्डर है ना, वाचना, प्रचना, अनुपेक्षा, आमना, ये भी यही ऑर्डर है। यही ऑर्डर क्यों है उसका भी? देखो वाचना मीन्स जिनवाणी को पढ़ना, और उसमें जो तत्व आया, तत्व की बात आई, उसको समझना, वाचना में हो गया। फिर जो चीज़ हमने, हम समझ रहे हैं, जो चीज़ हमारे समय नहीं आई, उसको ज्ञानियों से पूछना, तो वो हो गया प्रचना। फिर जो ज्ञानी ने हमको बताया उसको बार बार उस पर चिंतन करना, अनुपेक्षा का अर्थ क्या होता है? बार बार चिंतन करना, तो वो हो गया तीसरा अंग अनुपेक्षा। फिर बार बार चिंतन करने के बाद जो एक अपनी आप उस पर एक अपना वो बनेगा श्रद्धान, की ऐसा है मतलब एक आमनाय बनेगी उस पर कि ये चीज़ ऐसी है, वो आ जाता है आमनाय में। और वो समझने के बाद कोई धर्म का लोभी हो तो उसको धर्मोपदेश देना, वो सबसे लास्ट में धर्मोपदेश। तो ऐसे स्वाध्याय के 5 अंग हैं। उसके बाद विषय और ध्यान। ध्यान सबसे उत्कृष्ट तप है, इसमें इच्छा का निरोध भय रहा है। तो आपको पता है कैसे भय रहा है 12 तप में?
अच्छा अम्बोदरे में इच्छा का निरोध ज्यादा कैसे है अनशन से? हाँ किए ना, एक तो हम सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमारे सामने भोजन नहीं आए तो मैं इतनी आकुलता नहीं होगी, लेकिन हम भूखे हैं और फिर हमारे सामने भोजन आए और हम थोड़ा सा खा के उठ जाएं तो उसमें ज़्यादा इच्छा का निरोध करना पड़ेगा। तो इस तरह से इच्छा का निरोध बढ़ते हुए है कि पहले हमने अनशन किया, फिर उसमें भी हमने अम्बोदरे ले लिया, ये हाँ 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 है ना, हाँ तो उसमें सामने खाना है लेकिन फिर भी नहीं खाना, उसमें इच्छा का निरोध ज़्यादा है। फिर व्यति परिसंख्यान में कि हमने ये भी अनशन भी कर लिया, फिर अम्बोदरे भी करेंगे हम कि सामने खाना आएगा तो कम खाएंगे, उसके बाद भी हमने अटपटी प्रतिज्ञा ले ली, वो जरूरी नहीं पूरी हो, है ना। ऐसा नहीं महाराज ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं कि नहीं पूरी हो जानी चाहिए, वो तो अटपटी प्रतिज्ञा ले लेते हैं जो उनके आती है। जैसे भगवान महावीर के केस में हम देखें तो उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि राजकुमारी हो, बेड़ियों से बंधी हो, आँखों में आंसू हो, तो हमको लगता है कि प्रतिज्ञा पूरी हो पाएगी, कोई राजकुमारी बेड़ियों में क्यों रहेगी, आँखों में आंसू क्यों रहेंगे उसके। लेकिन उनका ऐसा नहीं रहता मुनिराज का कि प्रतिज्ञा ऐसी ली जाए जो पूरी हो जाए, वो तो ये देखते हैं कि इच्छा का निरोध कितना हुआ है। आगम में किसी मुनिराज का आता है कि मुनिराज थे, वो एक महीने उपवास करते थे, एक महीने के उपवास के बाद आके निकलते थे और एक ग्रास लेके आ जाते थे और फिर एक महीने का उपवास करते थे, है ना। अब हमको तो क्या लगेगा, एक ग्रास नहीं लेते तो दो महीने का उपवास हो जाता कंटिन्यू, अच्छा हो जाता ना, दो महीने का उपवास हो जाता, रिकॉर्ड बन जाता दो महीने का। लेकिन वो ग्रास लेने नहीं गए थे एक महीने बाद, वो ये चेक करने गए थे कि इच्छा का निरोध कितना हुआ है मेरे अभी। तो इस तरह से हमें इच्छा का निरोध बढ़ते हुए व्रति परिसंख्यान में अटपटी प्रतिज्ञा ले ली, वो पूरी हो भी गई तो फिर रस परित्याग किया हुआ है, वो रस मिला तो आहार लिया, यदि नहीं मिला तो आहार नहीं लिया, है ना। ये चारों आहार संबंधी हैं। फिर एक करवट से सोना, मतलब नींद में भी शय और पर की दया रखना। फिर उसके बाद काय क्लेश की तप के समय काय की तरफ ध्यान ही ना होना, बहिरंग तप और अंतरंग तप में यदि हम देखें तो प्रायश्चित करना, वो भी बहुत बड़ी बात है कि कोई दोष लग गया संघ में जाके मुनि आचार्य के सामने उस दोष को कहना। आज हम किसी दूसरे व्यक्ति से दोष नहीं कह पाते, शर्म आती है हमको कहने में कि हमारा ये दोष किसी को पता चल जाएगा, लेकिन उनमें कितना उन्होंने इच्छा का निरोध किया होगा कि वो पूरे संघ के सामने आचार्य से अपने दोष को कह देते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो उसमें इच्छा का निरोध बढ़ते हुए श्री ये ऑर्डर रखा गया है तप का। तो ऐसे 28 मूल गुणों का खंडित पालन करते हैं, 22 परिसरों को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं। देखो 22 परिसर और 12 तपों से हमको पता चलता है कि वो कितनी समता के धारी हैं। वो एक स्तुति आती है, देखो मुनि राजों पर भी उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे, उनको निज आदर्श बनाओ और मैं समता भाव धरो। कि हमें आदर्श उनको बनाना है अपने, और हमने आदर्श क्या बनाए हुए हैं आज, हमने हीरो को आदर्श बनाया हुआ है, क्रिकेटर को आदर्श बनाया हुआ है, या किसी उच्च पद वाले व्यक्ति को आदर्श बनाया हुआ है, कोई IAS IPS वाला है तो हमने उसको आदर्श बना लिया कि हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें अपने बच्चों को मुनिराज जैसे या अरिहंत जैसे या सिद्ध जैसे बनाना है। तो आदर्श हमको ऐसे बनाने चाहिए, और आदर्श जैसे बनाओगे वैसा परिणाम अपने आप होगा। आपने आज ये सोचा किसी IAS को देख के कि मुझे मेरे बच्चे को IAS बनाना है, तो आप शुरू से ही उसके अकॉर्डिंग स्कूल देखेंगे कि मुझे IAS बनाना है तो कौन सा स्कूल अभी बचपन में अच्छा रहेगा, इंग्लिश मीडियम रहेगा कि हिंदी मीडियम रहेगा, इंग्लिश मीडियम में कौन सा अच्छा रहेगा, फिर स्कूल में भी कौन कौन से टीचर हैं जो अच्छे हैं कि नहीं है, वो सारी चीज़ देखेंगे हम। तो यदि हमने अपना आदर्श मुनिराजों को बनाया, अरिहंत को बनाया, सिद्ध को बनाया, तो फिर हम देखेंगे कि कौन से मंदिर में पाठशाला लगती है, कौन से मंदिर में प्रवचन होते हैं, कौन से मंदिर में स्वाध्याय होता है, हम वहाँ जाके रहें। तो आदर्श यदि हमारा बनेगा तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग क्रियाएं होंगी। तो हमें अपना आदर्श उनको बनाना है जो वास्तव में आदर्श बनाने लायक हैं। तो ऐसे वो मुनि जो 28 मूल गुणों का खंडित पालन करते हैं, 22 परिसरों को सहन करते हैं,
बारह प्रकार के तपों को आदरते हैं। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं कि ध्यान मुद्रा धारण कर लेते हैं तो प्रतिमावत निश्चल हो जाते हैं कि वहाँ से चलित नहीं होते, चाहे कितना भी उपसर्ग आ जाए। देखो आसन नाम का परिचय है, उससे भी ये पता चलता है कि वो प्रतिमावत निश्चल हो जाते हैं। उपसर्ग के काल में भी आसन को छोड़ के नहीं जाते, जो आसन उन्होंने ले लिया ध्यान मुद्रा के समय वो ले लिया। और छेडरा में भी आता है, तिन सुतिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते, कि उनको चट्टान समझकर हिरण अपनी खाज खुजाते हैं, इतने वो प्रतिमावत निश्चल हो जाते हैं मुनिराज। तो कैसा उत्कृष्ट उनका ध्यान होगा, कैसी वो सर्वोत्कृष्ट दशा होगी, उसका हम विचार करें। तो ऐसे कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं, कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। अध्ययन आदि क्रियाओं में कब प्रवर्तेंगे वो, इसमें लिखा है कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कब प्रवर्तेंगे वो अध्ययन आदि क्रियाओं में। छठवें गुण स्थान में आते हैं, सही है। और कोई वर्ड उसके लिए, छठवें गुण स्थान में आते हैं कि जब राग अंश की वजह से शुद्ध उपयोग से छूट के शुभ उपयोग में आते हैं, उस समय वो अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं, कि जो मुनि धर्म का सहकारी शरीर है, कि जिसके साधन से वो मुनि धर्म पल रहा है, उसकी स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। देखो योग्य आहार विहार आदि क्रिया, ऐसा नहीं कुछ भी आहार विहार आदि क्रिया कर ली, योग्य आहार विहार आदि क्रिया होगी और उस योग्य आहार विहार आदि क्रिया में भी सावधान होते हैं। ऐसा नहीं प्रमाद पूर्वक आहार विहार आदि क्रिया करते हों, प्रमाद को छोड़ के आहार विहार आदि क्रिया करते हैं, वो भी योग्य करते हैं, कि योग्य आहार हो योग्य ही विहार होता है उनका। तो ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है। देखो उसमें ऊपर ये लाइन आई थी, कदाचित मंद राग के वजह से शुभ उपयोग भी होता है ना, वहाँ ये नहीं लिखा कि शुभ उपयोग भी करते हैं, होता है, करते नहीं हैं, ना वो करते हैं ना वो करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है। ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है। तो ये तो उन्होंने कहा आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, जो सामान्य मुनि बना है। अब आचार्य की पदवी, उपाध्याय की पदवी, साधु की पदवी में कुछ अंतर भी है, तभी पदवी है तीन, वरना एक ही पदवी रहती। तो उनका स्वरूप क्या है आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का, उसको पंडित जी आगे कह रहे हैं। आचार्य का स्वरूप उनमें किन में, आचार्यों में नहीं, उनमें का अर्थ है जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं, जो मुनिपने हैं, सामान्य मुनिपना उनमें। पहले सामान्य स्वरूप बताया, अब उनको अलग करेंगे ना आचार्यों को, तो किन में से करेंगे अलग, जो सामान्य स्वरूप बताया है आचार्य उपाध्याय साधु का, उन आचार्य उपाध्याय साधुओं में जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न हैं, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। कि उन आचार्य उपाध्याय साधुओं में जिनको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अधिकता है, मीन्स जो चारित्र है उनका चारित्र और भी उत्कृष्टता को लिए हुए है, तो ऐसे उस सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की अधिकता से उन्होंने प्रधान पद को प्राप्त किया है आचार्य उपाध्याय साधुओं में, और इसीलिए उस संघ के नायक हुए हैं। कि ऐसे कोई नेता होता है तो उसमें तो विशेषता होती है बाकी लोगों से, इसलिए वो उनका संचालन करता है, उनको मार्ग दिखाता है। वैसे ही
जिनमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारक की अधिकता है। ऐसी अधिकता के साथ प्रधान पद को प्राप्त करके वो संघ में नायक हुए हैं कि उनको ज्ञान का उगारपना भी विशेष रूप से है। उनका क्षयोपशम ज़्यादा हो गया है, बाकी मुनियों से उनका क्षयोपशम ज़्यादा हो गया तो वो संघ के नायक हुए हैं। तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, कि मुख्य कार्य तो उनका क्या है, निर्विकल्प रूप से स्वरूपाचरण में ही रहना। स्वरूपाचरण चारित्र आता है ना, स्वरूपाचरण चारित्र, तो स्वरूपाचरण चारित्र उसमें छेड़ाला में 14 लाइन कही है स्वरूपाचरण चारित्र के लिए। जे परम पैनी सुबुद्धि छैनी से स्टार्ट है, जे परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारे अंतर भेदिया वर्णादि अरुरागादि से निज भाव को न्यारा किया। यहाँ से लेके यौ चिंत निज में थिर वहे तिन अखत जो आनंद कहो सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के ना ही कहो, यहाँ तक 14 लाइन है। उनमें पूरा स्वरूपाचरण चारित्र बताया है। गुणगुणी ज्ञाता ज्ञान गे मंजार कछु भेद ना रहो, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच वेद ना, जहाँ परमान न निक्षेप को ना उद्धोत अनुभव में दिखे। वो सारी चीज़ें स्वरूपाचरण चारित्र में आती हैं। तो उनका मुख्य चारा वो स्वरूपाचरण चारित्र में रहना है। स्वरूपाचरण चारित्र का मतलब है कि स्वरूप में ही आचरण करना, बाहर नहीं निकलना। तो ऐसा नहीं बाहर निकलते नहीं है, लेकिन उनका जो बाहर निकलना है बहुत कम है। बाहर तो निकलेंगे, सस्मत जीव है, उनका उपयोग कंटिन्यू आत्मा में नहीं लगेगा, अपने स्वरूप में नहीं लगेगा। तो बाहर तो वो आएंगे, अभी उनके संजरण कषाय का उदय बाकी है तो वो तो उनको बाहर लाएगी। लेकिन मुख्य कार्य तो उनका यही है कि निर्विकल्प रूप रहना और स्वरूपाचरण में ही लीन रहना। तो जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। देखो कदाचित, कि कभी ऐसा होता है कि वो बाहर आते हैं स्वरूप से। तो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव, किसी भी जीव को नहीं, जो धर्म के लोभी हैं, जो वास्तव में धर्म को पढ़ना चाहते हैं, तत्व को सीखना चाहते हैं, उनको, हर किसी को नहीं। तो धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से, कि धर्म के लोभी जीव आए धर्म सुनना है, तो भी ऐसा नहीं कि धर्म सुनने आए हैं तो धर्मोपदेश देना स्टार्ट कर दिया। उनको देखकर राग अंश के उदय से, उनको देखने के बाद ही राग अंश का उदय आया है तो ही बाहर आएंगे। क्योंकि देखो प्रथम योग में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, कोई कोई श्रावक आया बैठा रहा लेकिन मुनिराज अपने ध्यान में लीन रहे, श्रावक चला गया लेकिन कोई उपदेश नहीं दिया, तो उनका राग अंश का उदय आएगा तो वो उपदेश दे सकते हैं। राग अंश का उदय नहीं आया तो ऐसा नहीं कि श्रावक आया तो चलो उपदेश दे दें, तो ऐसा उनके मन में नहीं आता, कोई विकल्प नहीं आता, क्योंकि वो निर्विकल्प रूप स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। कभी राग अंश का उदय आए तो विकल्प रूप अवस्था होती है, नहीं तो वो निर्विकल्प अवस्था में ही रहते हैं। तो ऐसे कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। देखो कितनी कंडीशन है उसमें, कदाचित होगा, हमेशा नहीं होता। और जो जीव है वो धर्म का लोभी हो और राग अंश का उदय हो, और राग अंश के उदय में भी करुणा बुद्धि आए, कि राग अंश के उदय में जब नहीं करुणा बुद्धि ही आए, राग अंश का उदय आया और उन्होंने शुद्ध उपयोग के साधन में राग करके दोबारा शुद्ध उपयोग में चले गए, कि राग अंश का उदय भी आया उसके बाद करुणा बुद्धि आए कि भाई जीव को उपदेश दे के हम उसका ही भव सुधार दें। ऐसी करुणा बुद्धि आए कि ये जीव भी भव में भ्रमण कर रहा है तो इसको इसके हित की बात बता देते हैं। तो ऐसी करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचरण अचराने वाले आचार्य उनको हमारा नमस्कार हो। उसके बाद उपाध्याय का स्वरूप कहते हैं, तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं,
तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं कि उपाध्याय कैसे हैं, कि उन आचार्य उपाध्याय साधुओं में से जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता हुए कि बहुत आगम के ज्ञाता हुए, आचार्य भी ज्ञाता हैं लेकिन जो जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर अब आचार्य का मुख्य कार्य क्या बताया, निर्विकल्प सर्वचरण में रहना। तो अब जो संघ है उसको पढ़ने की जिम्मेदारी किस पे डालें, तो उपाध्याय पे डाल दी कि जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता हैं उनको उपाध्याय पद दिया और उनको संघ में पठन पाठन का अधिकारी बना दिया कि आपको पठन पाठन कराना है। तो संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं और यदि कदाचित कि कभी, हमेशा तो वो क्या निर्विकल्प स्वरूपचरण में मग्न हैं, अपने शुद्ध उपयोग में मग्न हैं, लेकिन कदाचित जो उनकी संजरण कषाय बची है तो कदाचित कषाय अंश का उदय आए तो उस कषाय अंश के उदय से वहाँ उपयोग स्थिर ना रह सके तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं कि हर किसी को नहीं पढ़ाते। तो धर्म बुद्धि हैं जो वास्तव में धर्म पढ़ना चाहते हैं, धर्म को ग्रहण करना चाहते हैं, ऐसे धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय उनको हमारा नमस्कार हो कि ऐसे जो समीपवर्ती भव्य हैं, जो निकट भव्य हैं, जिनका मोक्ष बहुत पास में है, ऐसे उन समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले जो उपाध्याय हैं उनको यहाँ उनका स्वरूप जान के नमस्कार किया। और बाकी तो सामान्य स्वरूप सबका है ही, आचार्य का भी है, उपाध्याय का भी है, साधु का भी है। उसके बाद साधु का स्वरूप की पुनच्च इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को सदाते हैं और बाह्य में उसके साधनभूत तपचरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं तथा कदाचित भक्ति बंधन आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं कि इन दो पदवी धारकों के बिना कि आचार्य उपाध्याय साधुओं में आचार्यों को अलग किया, उपाध्यायों को अलग किया, उसके बाद जो बचे इन दो पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनिपद के धारक हैं, जितने भी अब मुनिपद के धारक बचे हैं आचार्य उपाध्याय को छोड़ के जितने भी मुनि हैं वो सब, तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्टनिष्ठपना मानकर फंसे नहीं कि जो उनका उपयोग है वो परद्रव्य में इष्टनिष्ठपने रूप मान के नहीं फंसे कि ना वो उनको इष्ट लगें ना वो उनको अनिष्ट लगें, इस तरह से अपने आत्म स्वभाव को साधते हुए अपने आत्म स्वरूप में लीनता करते हुए अपने उपयोग को परद्रव्य में नहीं फंसाते हुए व भागे नहीं, अपना उपयोग इष्टनिष्ठपने में फंसे भी नहीं और परद्रव्यों में भागे नहीं, वैसे अपने उपयोग को सजाते हैं कि येन कैन प्रकारण वो उपयोग निज में ही रहे कि किसी भी तरह से बाहर गया तो भी वो अंदर आए, कि यदि प्रमत्त में भी गया तो भी वो अप्रमत्त अवस्था में आए। ये नाटक है मुक्ति का संघर्ष, सुना है नाम, हरक्षण जी ने लिखा है मुक्ति का संघर्ष। उसमें उन्होंने जीव की अवस्था बताई पूरी कि किस तरह से मुक्ति के लिए संघर्ष करता है और लास्ट में मुक्ति को प्राप्त करता है। उन्होंने नाटक लिखा है कि मोह राजा और जीव राजा के भी युद्ध दिखाया उन्होंने पूरा, कि कैसे जीव की सेना मोह की सेना को नष्ट करती है, मोह राजा की सेना को। तो उसमें उन्होंने बताया कि दो राज्य हैं, एक प्रमत्तपुर एक अप्रमत्तपुर। जब जीव ने श्रावक पदवी पाली और देश विरक्त तक आ गया, उसने विजय प्राप्त कर ली देश विरक्त तक, उसके बाद वो प्रमत्तपुर आप वो जाता है सीधा प्रमत्तपुर में आक्रमण करने, लेकिन उसको आगे का गेट बंद मिलता है तो फिर उसको प्रमत्तपुर में ही जाना पड़ता है, लेकिन वो प्रमत्तपुर में रहना नहीं चाहता।
वो जैसे ही प्रमथपुर में पहुंचा वो दोबारा आक्रमण करता है, फिर अप्रमथपुर में पहुंचता है। तो वहाँ मुनिराजों की दशा बताई है कि मुनिराज जैसे ही प्रमथ में आते हैं तो फिर वो साथ में वनस्थान में चले जाते हैं दोबारा, कि वो अपने उपयोग को दोबारा से साधते हैं, अपने उपयोग को दोबारा से आत्मस्वरूप में लीन करते हैं और पुनः शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं। क्योंकि शुभ उपयोग को तो कैसा मानते हैं, वो हे ये छोड़ने योग्य है, जितना जल्दी छूट जाए उतना जल्दी अच्छा। तो वैसे ही अपने उपयोग को परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को सजाते हैं और बाह्य में उसके साधनभूत तपचरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। किसके साधनभूत, कि जो शुद्ध उपयोग के साधनभूत हैं तपचरण आदि क्रियाएँ, कि जब शुभ उपयोग में आए तो तपचरण आदि क्रियाओं के माध्यम से दोबारा से अपने आप में लीन हो गए, अपने आप में लीन होकर शुद्ध उपयोग में चले गए। तो बाह्य में उस शुद्ध उपयोग के साधनभूत तपचरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं तथा कदाचित भक्ति बंधन आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं उनको हमारा नमस्कार हो, कि ऐसे उस आत्म स्वभाव की साधना करने वाले साधु हैं उनको हमारा नमस्कार हो। तो उनका ये सामान्य स्वरूप आपके लक्ष्य में आया कि आचार्य पादा साधु का सामान्य स्वरूप कैसा है, उसमें विशेषपना क्या है मुनिपने में, मैं विशेषपना पूछता हूँ। सामान्य स्वरूप है उनका, उसमें मुनिपने में विशेष क्या बताया, कल मैंने बताया था एक अच्छा डाक किया हुआ है ग्रंथ में कि उनका मुनिपना कैसा, शुद्ध उपयोग रूप, कि शुभ उपयोग को तो वो हे जान के छोड़ना चाहते हैं, वो तो शुद्ध उपयोग में ही लीन रहते हैं। और बताया ना मुख्य कारण तो क्या है उनका, स्वरूपाचरण में ही मग्न रहना, कि निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मग्न रहते हैं। तो वो उनका शुद्ध उपयोग ही वास्तव में मुनि धर्म है, बाकी शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग रूप उनका मुनि धर्म नहीं है, है ना। आपका तो मंडे को टेस्ट होगा, ठीक है, कल की क्लास और होगी, लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु का जो सामान्य स्वरूप है उस सामान्य स्वरूप तक ही क्वेश्चन आएंगे, आगे ये विशेष भी नहीं आएगा, आचार्य उपाध्याय साधु का विशेष भी नहीं आएगा, है ना। उसमें आपके क्वेश्चन इजी हैं, फिल इन द ब्लैंक या ऑप्शनल या हाया ना वाले हैं, है ना। नहीं 22 परिसर के नाम याद रखना, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, है ना। तो उसमें है ना ये याद रखना आप, जैसे ये है कि शुद्ध प्योर मुनि धर्म, ऐसी जो विशेषताएं हैं अर्यंत के स्वरूप में तो मुख्य विशेषताएं हैं, सिद्धों के स्वरूप में मुख्य विशेषताएं हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में जो विशेष विशेषताएं हैं मेन, उनको मेन याद रखना मुख्य विशेषताओं को, क्योंकि फिलिंदा ब्लैंक में हो सकता है गन से सीधी लाइन उठ के आए, है ना, सीधी लाइन ही उठ के आ सकती है उसमें, लेकिन वो मुख्य विशेषताएं मैंने इसलिए बार बार रिपीट की हैं, अर्यंतों के स्वरूप में भी रिपीट की हैं, सिद्धों के स्वरूप में भी रिपीट की हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु के सामान्य स्वरूप में भी रिपीट की हैं, जो हमारे लक्ष्य में रहनी चाहिए कि जब हम नवका मंत्र बोलें तो कम से कम हमको पंच पमिष्टि का स्वरूप हमारे लक्ष्य में तो आए, क्यों नमो अर्यंताराम बोल रहे हैं तो पूरा स्वरूप भी ध्यान में ना आए, तो कुछ जो मुख्य विशेषताएँ हैं जो उनका मुख्य स्वरूप है वो हमारे लक्ष्य में तो रहे, कि वरना नमस्कार करने का मतलब क्या रहेगा। तो इसलिए वो मुख्य स्वरूप है उनका वो तो हमारे लक्ष्य में रहे, बाह्य चीज़ें याद ना रहे तो ना रहे। जैसे अर्यंतों के स्वरूप में काफ़ी चीज़ें बाह्य में बताई, या आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप में बाह्य चीज़ें बताई, तो कुछ बाह्य भी रहे कुछ अंतरंग भी रहे, लेकिन अंतरंग इतना तो हमारा रहे कि हमें श्रद्धांत तो रहे। जैसे ना मुनिराजों को होता है आदर्शन परिचय होता है, तो आदर्शन परिचय में उनको क्या होता है, उनका श्रद्धांत चलित नहीं होता, कि वो तप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन तप करते समय उनको रिद्धियाँ प्रकट नहीं हो रही, है ना, जबकि तप करने से रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। अब किसी मुनिराज ने बहुत तप किया रही रिद्धि प्रकट नहीं हुई, तो ऐसा नहीं उनका श्रद्धांत चलित हो जाए कि नहीं मैं तप गलत कर रहा हूँ, तप करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, तप तो निरर्थक है, उससे रिद्धियाँ प्रकट नहीं हो रही, तो उनका ऐसा उनका श्रद्धांत चलित नहीं होता, तो वो भी किस में परिचय में आता है, आदर्शन नाम का परिचय होता है ऐसा, है ना। तो वो चीज़ें हमारे लक्ष्य में रहें, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ सम प्राणी के लिए पढ़ ली, कि हमने 22 परिचय के नाम पढ़ लिए, उनका स्वरूप पढ़ लिया, या मैंने बताया था ना कि अर्यंत सिद्ध आचार्य पाता साधु का स्वरूप केवल बताने के लिए या उनको समझाने के लिए नहीं बताया जा रहा है, उनके माध्यम से अपने आप को समझें उसके लिए बताया जा रहा है, कि इसलिए आचार्य पाता साधु के स्वरूप का अवलोकन करने को कहा,
कि आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करो, उनकी चर्या देखो। कल बताया था ना कि जितना उनके उपदेश से नहीं सीखते उतना उनकी चर्या से सीख लेते हैं। तो इसलिए कहा कि आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करो, कौन सा स्वरूप विचार करने योग्य है, कौन सा स्वरूप ध्यान योग्य है, कौन सा स्वरूप अवलोकन करने योग्य है। ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं ना, ये हमको याद रहनी चाहिए। तो इसी के अब हम आगे पढ़ेंगे पूज्यत्व का कारण। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो, अरिहंतों के स्वरूप में, सिद्धों के स्वरूप में, आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप में कोई भी डाउट हो, कोई शंका हो तो पूछ लें। नहीं देखो, जब वो शंका संचालन कर रहे हैं उस समय उनको विकल्प रहेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा संघ को लीड करते रहते हैं। उन्होंने संघ में उपाध्यायों को जिम्मेदारी दी हुई है पठन पाठन की। अब मुनिराज भी अपने तप में लीन है। अब जो उनका संघ है उस संघ को भी तो हमेशा विकल्प दशा नहीं है, वो संघ भी तो निर्विकल्प अवस्था में रहता है कि भाई मुनि भी तो शुद्ध उपयोग में रहते हैं, तो सामान्य साधु हैं, उपाध्याय हैं, वो भी तो निर्विकल्प अवस्था में रहते हैं। तो वो काम उपाध्याय को दिया हुआ है उन्होंने, उपाध्याय को, और उपाध्याय भी हमेशा पठन पाठन नहीं कराते। जब वो उनको राग अंश का उदय आया उससे पठन पाठन कराएंगे, हमेशा नहीं कराएंगे, क्योंकि मुख्य कार्य तो उनका शुद्ध उपयोग रूप रहना ही है। जब वो शुद्ध उपयोग रूप नहीं रह पाए या शुभ उपयोग में आएंगे उससे पठन पाठन कराएंगे, और आचार्य भी उसी समय संचालन करेंगे, उसी समय कोई भी नियम बताएंगे संघ को या संघ को कोई आज्ञा देंगे, जो भी करेंगे वो शुभ उपयोग के काल में करेंगे। शुद्ध उपयोग के काल में तो निर्विकल अवस्था है उनकी, उस समय वो कोई विकल्प नहीं करेंगे। अब जैसे किसी आचार्य ने काफ़ी समय तक मौन है, मतलब काफ़ी समय तक अपने तप में लीन है, अब उनके कभी शुभ उपयोग आएगा जब वो आज्ञा देंगे। नहीं तो संघ भी क्या करता है, जैसे मान लो कोई आपत्ति आई संघ पे, कोई उपसर्ग आया, या उन्होंने अवधि जहाँ से जान लिया कि उपसर्ग आने वाला है, जैसे चंद्रगुप्त के समय आया कि 12 वर्ष का काल पड़ने वाला है, अवधि गांव से जान लिया उन्होंने। अब संघ को अवधि गांव से पता चल गया कि उपसर्ग आने वाला है, हमको ये स्थान छोड़ना चाहिए, मीन्स अभी 12 साल का काल पड़ेगा यहाँ पे, तो हम किसी अन्य स्थान पे चले जाएं। तो ऐसा नहीं है कि अभी वो आचार्य तप में लीन है तो इंतजार भी करेंगे उनकी आज्ञा का। ऐसा नहीं कि भाई उनका तप, उनको तप से हटा दें या उनसे भाई पूछें कि आचार्य बताओ बताओ, कि उनका इंतजार करेंगे कि जब उनका वो शुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग रूप आएंगे शुद्ध उपयोग से हटके, तब वो अपनी बात कहेंगे और तब उनसे आज्ञा लेके कहीं जाएंगे। तो वो भी इंतजार करते हैं उस चीज़ का। ऐसा नहीं कि तुरंत ही, कि हमेशा आचार्य तैयार बैठे हैं आज्ञा देने के लिए या संचालन करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो सब विकल्प दशा में ही होगा वो कार्य संचालन आदि का, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता। वो मैक्सिमम टाइम तो शुद्ध उपयोग रूप निर्विकल्प अवस्था में ही रहते हैं। जब उनको राग अंश का उदय आया, शुभ उपयोग रूप आए, जब कोई विकल्प आया, तब वो कार्य करते हैं, नहीं तो नहीं करते। पठन पाठन का कार्य हो, चाहे संचालन का कार्य हो, जो भी कार्य हो, वो शुभ उपयोग के काल में ही होगा, शुद्ध उपयोग के काल में नहीं होगा। और कोई शंका? अरिहंतों के स्वरूप में, सिद्धों के स्वरूप में, परम औदारी शरीर किसको होता है? अरिहंतों को होता है। सिद्धों से कौन सा शरीर होता है सिद्धों को? हाँ, ऑप्शन हो सकता है कोई शरीर का नाम भी आ जाए जो सही हो, तो देख लेना है ना, इसलिए बताया मैंने। आता है ना ज्ञान शरीरी, है ना, तो आ सकता है ऑप्शन में कि परमोदारी शरीर, ज्ञान शरीर। तो ऐसा नहीं उसको नहीं वाला टिक कर दें, उसमें नहीं का ऑप्शन भी हो सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं, क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा ध्यान रख के आंसर सॉल्व करना, इसलिए मैंने आइडिया दिया। जरूरी नहीं क्वेश्चन आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने एक आइडिया दिया है आपको, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर सरल है, पेपर बन गया है, पेपर सरल है काफ़ी।